सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि फ्री फायर में जो जंप एंड शॉट होता है उसके अलावा गाइस जब आप एक गोली मार के दोबारा भाग के वापस आके फिर मारते हो तो वो आपको कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, कैसे आपको जंप एंड शॉट सीखना है, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी ट्रिक्स की वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप उस ट्रिक को देखने के बाद उसको यूज कर सकते हैं, आपकी गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस चलते हैं अभी हमारे ट्रिक की ओर। तो सबसे पहला ट्रिक हम लोग बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हमको जंप एंड शॉट सीखना क्यों है। जंप एंड शॉट सीखने का सबसे जो मेन यहाँ पे कारण है वो है गाइस आपके एनिमी के एम को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना। यानी कि गाइस अगर आप एनिमी के पास खड़े रहोगे तो गाइस अगर आपके पास ऊपर वो एम नहीं भी करेगा तो भी एम सीधा डायरेक्टली डिफॉल्ट में आपके ऊपर आके ही लगेगा और आपको गोली लगेगा। लेकिन गाइस अगर आप जंप करके शूट करते हो तो गाइस एनिमी का एम आपको पकड़ नहीं पाता। इसका सबसे बढ़िया सबसे पहला रीज़न यही है आपको जंप एंड शॉट करने का कि एम एनिमी का जो एम होता है उसको आपको डिसकनेक्ट करना है, उसको आपको डिसबैलेंस करना है ताकि वो आपके ऊपर सारा गोली नहीं लगा पाए। गोली लगाएगा लेकिन गाइस सारा गोली वो आपको नहीं मार पाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले इसको चलते कस्टम एचयूडी पे जाने के बाद आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले उस चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कस्टम एचयूडी पे आना है। कस्टम एचयूडी पे आने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम एचयूडी पे आने के बाद मेरा यहाँ पे जंप का बटन क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मतलब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे बटन दिख रहा है यहाँ पे जंप का बटन उसका ट्रांसपेरेंसी यानी ऊपर वाला जिसको आप घटा दोगे तो ये धुंधला धुंधला होते होते बिल्कुल नहीं दिखेगा, और अगर आप 100 कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये दिखने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं आपको कौन सा रखना है। आपको ऑलवेज 100 पे रखना है। जब तक आप नए हो, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, जब तक आपको उस फायर जंप बटन की आपको आदत नहीं पड़ी तब तक आपको 100 रखना है। अब बात कर लेते हैं गाइस आपको कहाँ पे रखना है। तो रखने का जगह गाइस आप देख सकते हो, अगर आप टू फिंगर प्लेयर हो तो गाइस जहाँ पे मैंने रखा है यहाँ पे रख सकते हो, और गाइस जहाँ पे मेरा जूम का बटन है आप चाहो तो वहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा मुझे तो कहीं नहीं दिखता कि और कहीं पे आप रख सकते हो, रखने के बाद उसको गाइस आप लोग चला सकते हो। तो वैसे आपकी मर्जी आप कहाँ पे रखोगे, लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक जगह पे रहना चाहिए अगर आप टू फिंगर प्लेयर है तो। अभी बात कर लेते आपके एक डाउट के बारे में। तो वैसे आप क्या करते हो, आप इंटरनेट में सर्च मारते हो हाउ टू बिकम प्रो। प्रो लिखने के बाद गाइस कई लोग यहाँ पे बता देते हैं कि जंप के बटन को आप लोग यहाँ पे रख लो, वहाँ पे रख लो तो प्रो बन जाओगे, ये बन जाओगे, सबको मार दोगे। तो गाइस आप लोग क्या करते हो, आप लोग बिल्कुल अंधे की तरह उन पे विश्वास कर लेते हो, और गाइस उसको आपको अपने जो अब तक प्रैक्टिस किया उसको छोड़ के आप उस जंप बटन को चेंज कर लेते हो। तो गाइस ये आप करते हो सबसे बड़ी गलती। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि उसने कहा तो चेंज करना ही है। अगर आपको 3-4 महीने हो गया है खेलने के लिए तो गाइस अगर आप उस जगह को प्रैक्टिस कर ली है तो वैसे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस क्या कर सकते, आप ये कर सकते हो कि इसको आपको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो अगर वो छोटा है तो इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी होगा खेलने में। अभी बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे कस्टम एचयूडी को, अगर आपको जो जंप बटन उसको सेट कैसे करना है अगर आपने सेट नहीं किया तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आँख बंद करना है, उसके बाद शूट करना है, उसके बाद जंप करना है, उल्टा करना है, ठीक है गाइस, शूट करना है उसके बाद जंप करना है। अगर जंप के ऊपर आपका बटन प्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन गाइस जंप के ऊपर आपका बटन प्रेस नहीं हो रहा तो गाइस आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड को आपके पास बिठाना है। बिठाने के बाद उसको बोलना है कि मैं आँख बंद करके यहाँ पे प्रेस करूँगा, जहाँ पे प्रेस हो रहा है तू उस जगह को देख के रख, वहाँ पे जब आप आँख बंद करके जहाँ पे प्रेस करोगे आपको कस्टम एचयूडी पे जाके आपको जंप के बटन को वहाँ पे लाना है अगर वो वहाँ पे नहीं है तो। अभी बात कर लेते गाइस आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रैक्टिस करने के लिए गाइस आपको किसी खाली जगह पे आना है। खाली जगह मतलब आप कोई भी कर सकते हो, यहाँ पे दौड़ते दौड़ते भी कर सकते हो, लेकिन गाइस आपको क्या करना है, आपको तुरंत जंप करना शूट करना है, देख सकते हो गाइस जंप करना शूट करना है। एनिमी की ज़रूरत नहीं है गाइस, आपको खुले जगह में करना है ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, जंप करना शूट करना है, और रिलोड जब आएगा तो गाइस आपको ये खाली हाथ में लेके यहाँ पे भागना है गन को छोड़ के। तो गाइस आपके ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो गाइस ये हो गया आपका पहला प्रैक्टिस। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे के। तो दूसरे प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, जब आप भागोगे गाइस ऑलवेज आपको जंप करना है। ऑलवेज जब आप किसी भी प्रो प्लेयर को देखो वो या स्मूथली नहीं भागेगा, क्योंकि इसका दो कारण होता है। पहला कारण होता है उसका ये गाइस कि कोई आपको हेडशॉट ना मार पाए AWM या फिर कुछ भी बड़े वाले स्नाइपर से, और दूसरा कारण होता है इसका प्रैक्टिस होता है। जब आप गाइस ऑलवेज यहाँ पे जंप करते रहते हो तो आपकी उंगली की एक आदत बन जाती है, एक अभ्यास हो जाता है उसका। तो गाइस आप कभी भी आप जंप कर सकते हो। तो गाइस अब दूसरा प्रैक्टिस भी यहाँ पे समझ गए होंगे, जब आप भागोगे तो ऑलवेज आपको जंप करना। उसके बाद गाइस एक और प्रैक्टिस आप देख सकते हो, आपको किसी दीवार के पास या फिर किसी पेड़ के अंदर
पैर के कवर पे आना है, उसके बाद जैसे आपको बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद खाली हाथ लेके या फिर छोटू गन लेके आपको भाग के उस कवर पे जाना है। देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जॉयस्टिक को प्रेस कर रहा हूँ, जॉयस्टिक को प्रेस करने के बाद जैसे निकल रहा हूँ उसके बाद जंप करके शूट करके वापस अंदर जा रहा हूँ। तो गाइस आपको यही करना है, आपको किसी पेड़ के पास या फिर किसी घर के पास आना है, उसके बाद गाइस आपको करना है। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसके बारे में। तो गाइस लास्ट वाला जो प्रैक्टिस है हमारा, देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको भागना है, उसके बाद गाइस जंप करना है गंजिस करना है। तो गाइस आपको ये करना है, तो जंप करना है गंजिस करना है, इससे क्या होगा, इससे भी आपका एक आदत बन जाएगा मारने के बाद या फिर जंप करने के बाद शूट करके गन चेंज करने का। उसके बाद शूट भी आप कर सकते हो, देख सकते हो गाइस आप जब भाग रहे हो तो गाइस जंप करना है, उसके बाद गाइस फायर बटन को प्रेस करना है, तो भी आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा बिल्कुल वैसे जैसे मैंने दिखाया। तो सारा कुछ ये जो मैंने प्रैक्टिस आपको बताया, सारा कुछ ये प्रैक्टिस आप कर लीजिए। करने के बाद गाइस आप लोग मेरे को 15 दिन के बाद आइए, आने के बाद गाइस आप मेरे को किसी भी वीडियो के कमेंट पे बताना कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।